हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाई डाई में एक नई टेक्निक सीखेंगे जो कि बहुत ही इजी वे में डाई करेंगे हम उसे। और इसको देखिए, करने के लिए मैंने एक सैम्पल लिया है। इसको पहले से ही मैंने स्टार्च इसका रिमूव कर दिया है। स्टार्च रिमूव करने से, स्टार्च कैसे रिमूव करेंगे कि इसे पानी में थोड़ी देर डिप करके रख दीजिए। कॉटन फैब्रिक लिया है हमने, तो इसको जब उसमें हम डिप करके रख देंगे तो इससे जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है कॉटन फैब्रिक पे वो निकल जाएगा, और जब आपका डाई होगा तो वो बहुत अच्छे से डाई हो जाएगा। डाई का मतलब कलर जब उस पर होगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब इसको हम शुरू करने के लिए, इसमें हम आज सर्कल का पैटर्न बनाएंगे। तो उसको करने के लिए कोई भी कैसा भी पैटर्न हो, मतलब आपका फैब्रिक होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी सेंटर हो उसका, इसका बिल्कुल सेंटर जो होगा उससे हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल सेंटर बनाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ये स्क्वायर पीस है, तो हमने इसको ऐसे स्क्वायर ऐसे फोल्ड किया और ये हमने ऐसे फोल्ड किया। इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि देखिए, तो ये एक पॉइंट आ गया हमारा। इस पॉइंट को हम ऐसे ओपन करते हैं तो जो ये चीज़ है ये हमारे को क्या कहते हैं, सेंटर मिल गया है हमारा। तो अब इसमें हम सर्कल में क्या करते हैं कि हम इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे। सेंटर को हमने ऐसे पकड़ लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये टाई एंड डाई थ्रेड की हेल्प से, ये टाई एंड डाई थ्रेड है, टाई एंड डाई थ्रेड कॉटन थ्रेड ही होता है, जिससे कि कलर जब अगर आप इसको करेंगे तो इसमें कलर इसके थ्रू पास नहीं होता है। टाई एंड डाई की टेक्निक को हम रेजिस्ट टेक्निक भी बोलते हैं, डाइंग टेक्निक। तो उसको थ्रेड अगर हम इस पे लपेटेंगे तो जिस तरह से भी जितने पोर्शन पे थ्रेड होगा उतने पोर्शन पे कलर नहीं आएगा। अब देखिए इसको करने के लिए क्या है, ये सेंटर हमने लिया है, तो सेंटर से थोड़ा सा नीचे हमने एक सर्कल बनाना है। सर्कल के लिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेके ऐसे हमने होल्ड किया, इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं करनी है, हम ऐसे डायरेक्ट पकड़ सकते हैं और इसको टाइटली हमने इसके ऊपर रैप कर दिया। देखिए ये जैसे ये है, जितना भी हमें बड़ा चाहिए है ये हमने इसको लिया और इसके ऊपर ये देखिए ऐसे हमने टाइटली रैप कर दिया। ये देखिए ये, इसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना हमें डिज़ाइन चाहिए है, जैसे ये देखिए थोड़ा सा हमने नीचे लिया और इसको फिर टाइटली करके जितने पोर्शन पे थ्रेड होगा उतने पोर्शन पे कलर नहीं होगा, बाकी सब जगह कलर आ जाएगा। जितने तो थ्रेड से ही ये जो है आपका बेस कलर नहीं, मतलब बेस जो वाइट कलर अगर आपने लिया है कोई भी लाइट कलर, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब ये देखिए इसको मैंने खूब अच्छे से नॉट कर दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा नीचे, एक अंदाजे में कि इतना नीचे होना चाहिए, एक एक इंच मान लीजिए गैप हो रहा है इनके बीच में, जिस तरीके से आपको डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से आपने इसको टाई कर लिया। खूब अच्छे से, खूब टाइटली इसको एक बार पुल करके करेंगे, जिससे कि जो भी नीचे के फोल्ड हो वो पूरी तरह से, देखिए ऐसे पूरी तरह से टाइट हो जाए। ऐसे ही हमने 3 राउंड्स कर लिए, एक राउंड और कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक कर लिया हमने, देखिए इस तरीके से ये हमने इसको टाई कर लिया है। देखिए ये ऐसे टाई करके खूब अच्छे से टाई कर लिया है ये, इस तरीके से ये हमने टाई कर लिया है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जब हम टाई कर लेते हैं तो हम जो टाई जो फैब्रिक होगा पहले प्लेन वाटर में डिप करके रख देंगे। प्लेन वाटर में अगर हम डिप करके रखेंगे तो ये बाउल है मेरा, इसमें हमें प्लेन वाटर में से डिप कर देते हैं। डिप करने से क्या होगा, जब हम डाई या कलर करेंगे इस पर तो कलर जो है वो पूरे पे इजीली उसमें सारे पे स्प्रेड हो जाएगा, नहीं तो कोई होगा कि कहीं लाइट कहीं डार्क। हमने ये इसमें ऐसे डिप करके थोड़ी देर रख दिया है, ये देखिए जब तक हम अपना वाटर बॉयल वाटर, क्योंकि हम ये हॉट और कोल्ड वाटर की टेक्निक से हम करेंगे इसे, तो इसलिए ये कोल्ड वाटर है एक तरह से। और हॉट वाटर में हम क्या कहते हैं, बॉयल वाटर लेते हैं। बॉयल वाटर लेने के लिए हम एक दूसरा बाउल ले लेंगे और दूसरे बाउल में थोड़ा सा कोल्ड हॉट वाटर ले लेते हैं। हॉट वाटर कैसे होगा, मैंने इसे इलेक्ट्रिक कैटल पे बॉईल कर लिया है पहले थोड़ा सा देर, जिससे कि क्या होगा कि हमारे को वो बिल्कुल कोल्ड हॉट वाटर होगा,
ये देखिए, ये मैंने हॉट वाटर इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हॉट वाटर मैं एक हल्की एक छोटी से बाउल में भी ले लूँगी, ये देखिए छोटे से बाउल में, जिसमें कि मैं कलर में इसको कलर इसमें मिक्स करेंगे। डायरेक्ट हम कलर उसमें नहीं डालते हैं, जिसमें हमने मेन कस्टर्ड फैब्रिक लेना है। और हमने क्या किया कि ये जो जितना भी कलर है हमारा, उस कलर को हम इसमें भरी एक स्पून कलर, क्योंकि एक छोटा सा सैंपल है मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा एक स्पून कलर जो है सफिशेंट होगा हमारा। ये देखिए, ये एक स्पून कलर जो है मैंने इसमें ले लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे पहले हम ग्लव्स जो है अपने हाथ में ज़रूर यूज़ कर लें। ग्लव्स यूज़ करने से ये होगा कि कलर हमारे हाथ में नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होता है कि कलर जो है सारा आपके हाथ में रेड कलर, जैसे देखिए अभी मैंने ओपन किया तो देखिए थोड़ा सा रेड कलर इसमें आ गया है मेरे हाथ में। तो ग्लव्स पहले पहन लेते हैं, ग्लव्स से पूरा हाथ जो है वो आपका एज इट इज ही रहेगा, नहीं तो उसमें कलर आपके हाथ में लग सकता है। और थोड़ा सा गर्म पानी भी है तो थोड़ा डायरेक्टली स्किन पे लगेगा तो भी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए अब हम पहले जो है ये कलर हमने मिक्स कर ही लिया है छोटे बाउल में, और बस अब हम डायरेक्ट बड़े उसमें डालेंगे। देखिए इस तरीके से अब हमने ये जो ये कलर हमारा है ये हमने इस जो मेन बाउल है उसमें हम इसे मिक्स कर देंगे। देखिए ये हमारी हॉट एंड कोल्ड वाटर टेक्निक से हम डाई कर रहे हैं। ये देखिए इसको इस तरीके से इसमें हमने डिप कर ये कर लिया मिक्स। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहले ये कपड़ा था, इस कपड़े को हमने इसमें से निकाल के, क्योंकि ये पहले से ही पूरे सब में खूब अच्छे से निचोड़ देंगे, और इसे हम ओपन करते हैं। देखिए इसे ओपन किया हमने ऐसे, और अब हम जो है इस हॉट वाटर वाले में तो उसमें हम डाल देंगे। देखिए ये ऐसे डाल दिया, देखिए वाइट कलर से एकदम इसमें कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें कलर आने लगेगा, ये अभी देखिए बिल्कुल वाइट ही है। अभी थोड़ी देर में जब हम दो तीन वो कोल्ड वाटर हॉट वाटर में करेंगे तो इसमें कलर आ जाएगा। देखिए ये एक बार ऐसे किया हमने, अब हम इसके बाद इसे हॉट वाट कोल्ड वाटर में डिप करेंगे। देखिए अब इसके बाद हमने फिर कोल्ड हॉट वाटर में किया इसे डिप। देखिए इस तरीके से इसके बाद हम फिर से ऐसे ही हम 4-5 टाइम्स इसे करेंगे। देखिए 2 टाइम्स हो गया है हमारा। जितना हमें जब तक वो डार्क कलर हमारा नहीं मिल जाता हमें जैसा चाहिए है, तब तक हम इसे इसी में डिप करके कर सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरीके से देखिए कलर इसमें डार्क होने लगा है। पहले जो हमने बिल्कुल वाइट फैब्रिक था, अब देखिए इसमें कलर जो है वो चेंज होने लगा है कलर। ये अपने आप ही ये कपड़ा जो है आपका डार्क जो ऐसा डाई करना है रेड कलर या पिंक कलर में, वैसा ये डाई हो रहा है। ये देखिए अच्छे से इसको खूब अच्छे से ऐसे प्रेस कर करके ताकि कलर सब जगह चला जाए। इसलिए देखिए डाई करा है तो इसमें जहाँ पे वाइट कलर जहाँ पे थ्रेड लगा है वो एज इट इज़ ही है, वहाँ पे कलर नहीं आया है आपका उस जगह पे। तो जब अगर उस पे कलर नहीं आया है तो इसका मतलब ये कि जो हमने कलर किया है या जो हम डाई कर रहे हैं वो भी उसके अंदर नहीं पास होगा। सिर्फ जितना जितना ओपन एरिया है उतने पे ही कलर आया है। देखिए देखिए इस तरीके से ये इस पे कलर खूब अच्छा आ गया है। देखिए एक बार और 2-3 बार कर लेते हैं इसमें जितना हमें चाहिए। ये कोल्ड वाटर है जो इसमें हमने डिप किया है, कोल्ड मतलब नॉर्मल वाटर है, और जो दूसरा वाला है ये बिल्कुल हॉट वाटर है। बिल्कुल हॉट होना चाहिए जिससे कि क्या होगा कि ये कलर अच्छे से इसमें पक्का हो जाएगा, पूरी तरह से इसमें आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया है। ये देखिए अब इसमें खूब अच्छा कलर आ गया है, रेड के या पिंक कलर जैसा इसमें आ गया है। ये रेड कलर तो नहीं है, ये पिंक कलर है, पिंक कलर इसके अंदर आ गया है। ये डार्क पिंक जो है देखिए ये आ गया है इसके अंदर।
इस तरीके से भी ये ठंडा हो गया है, तो ये ठंडे पानी में है। देखिए इसको हम अच्छे से ऐसे निचोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसे निचोड़ दिया, तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कलर था वो कहते हैं इसमें से निकल गया। अभी पर जब आप इसको इसमें से डिप करके निकाल रहे हैं तो इसके अंदर भी कलर जो है देखिए निकल रहा है। अभी देखिए ये हमारे हाथ, मेरे हाथ पे देखिए अभी इसमें रेड कलर आ रहा है। देखिए इसका ये इसमें, तो ये रेड कलर जो है वो बिल्कुल अभी हम जब फिक्स करेंगे तो इससे कलर हमारा जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि प्लेन बॉटल में अब जो है उसको फिक्स कर लेते हैं। इसके लिए हमें दो बाउल्स चाहिए होंगे। दो बाउल्स में हम प्लेन वाटर डाल देते हैं। देखिए प्लेन वाटर हम दो बाउल्स में प्लेन वाटर डाल दिया। देखिए थोड़ा प्लेन वाटर इवन एक जैसा रख लेते हैं, डाल देंगे। और इसमें हम एक वाटर में सॉल्ट डालेंगे एक बाउल में, और एक बाउल में हमने फिक्सर ले लेना है, वो डिप वो करना है। तो वाटर मैंने प्लेन सॉल्ट लिया है इसके अंदर, जो ये देखिए प्लेन सॉल्ट मैंने एक इसमें डिप कर दिया। इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से इसके अंदर ये मिक्स हो गया। ये देखिए ये हो गया मिक्स इसके अंदर। और दूसरे बाउल में हम जो है वो फिक्सर ले लेते हैं। थोड़ा सा फिक्सर लेंगे, थोड़ा सा फिक्सर लेके वो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। देखिए ये मिक्स कर दिया इसके अंदर अच्छे से, दोनों मिक्स हो गए हैं। ये देखिए इसके अंदर ये सॉल्ट पूरा मिक्स हो जाए इसके अंदर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कपड़ा था अब ये डाई तो हो ही गया है, कलर तो हमें आ ही गया है जितना चाहिए था। अब हम इसको बस सिर्फ फिक्स करना है। तो पहले हम इसे सॉल्ट वाले वाटर में डालेंगे। वाटर नॉर्मल ही है बिल्कुल, हम इसे हाथ से भी कर सकते हैं क्योंकि ग्लव्स तो हमने वैसे भी पहने हुए हैं। देखिए कलर इसमें इतना अच्छा, कुछ हर कपड़े पे भी डिपेंड करता है कि कपड़े में कलर एक बार चढ़ गया तो वो निकलता भी नहीं है। देखिए इसमें कपड़ा इसी में ही नहीं निकल रहा है। देखिए अब हम इसके अंदर डिप करेंगे एक बार सॉल्ट वाले में, एक बार फिक्सर वाले में। देखिए इसमें ये बिल्कुल ही प्लेन हो गया, ये इसमें थोड़ा कलर आएगा भी तो इसमें कलर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। देखिए ये बिल्कुल प्लेन है। देखिए अब इसमें हम दो तीन बार ऐसे कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से खूब अच्छे से ऐसे तीन चार बार कर लीजिएगा इसमें, जैसे कि कलर और भी नहीं निकलेगा। वैसे कलर इसमें अब निकल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये अब इसमें कलर पक्का हो गया है बिल्कुल। ये देखिए देखिए अब हमारा कलर पक्का हो गया है, तो हम इसको अब इसमें निचोड़ के अच्छे से खूब अच्छे से निकाल दें और निचोड़ लेते हैं। वो कलर जो है वो अब इसको हमें नॉर्मली इसको हम इसे ड्राई करेंगे। ड्राई करना ज़रूरी है, ड्राई करने के बाद ही इसे ओपन करें। पर ओपन पैटर्न दिखेगा कैसे, इसलिए हम आपको अभी ओपन करके दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके का ये इसमें आ गया है। अब इसके बाद इसको इसको ओपन करेंगे तो जो पैटर्न्स हैं वो सर्कुलर पैटर्न्स जो हैं वो आ जाएंगे इसमें। ये देखिए ये जो है ये इसको करने के लिए इसमें मैंने एक ही नॉट लगाई थी, इसलिए ये इजीली खुल जाएगा। ड्राई करने की के बाद ही खोलें इसलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ड्राई का, वैसे तो इसमें कलर अब चढ़ गया है अच्छे से, कलर निकलेगा ही नहीं, पर अगर मान लीजिए कलर थोड़ा सा निकलता हो या स्प्रे होगा तो क्या होगा कि वो कलर जितना प्लेन जितना हमने स्पेस प्लेन रखा है उस पर भी चढ़ सकता है। इसलिए क्या कहते हैं हम इसको पहले ड्राई कर लेते हैं उसके बाद ही कलर करते हैं। देखिए ये जो है जहाँ मैंने नॉट किया था, ये देखिए जितने पोर्शन पे हमने नॉट किया था या टाई किया है उतने पोर्शन पे कलर नहीं आया है। देखिए
ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसको डाई करने के, किसी भी कपड़े को हम डिफरेंट मेथड से डाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर कट रहा है तो आप सीजर से काट सकते हैं, पर इतना ज़्यादा, वैसे कई लेयर्स होती हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर आप ज़्यादा सीजर भी एकदम नहीं लगा सकते हैं, उसकी टिप से ही लगाइएगा, नहीं तो पता चला कि ये फैब्रिक ही कट गया थोड़ा सा। इतने पोश हमने सीजर लगाया उस पर कट गया। ये देखिए, ये ऐसे है, ये सारा का सारा हमारा जो थ्रेड है वो सब रिमूव हो गए हैं। अब ये इस तरीके का देखिए कितना अच्छा पैटर्न लग रहा है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए, इसे हमने ओपन किया तो देखिए जो हमारा बन के आया वो सर्कल्स बन के आए। देखिए ये देखिए, ये जो है सर्कुलर पैटर्न जो है वो हमारा बन गया है। ये देखिए सर्कुलर पैटर्न ये बन गया है हमारा, ये तरीके का। तो इसको आप, बहुत ही इजी वे है इसको करने का, डाई करने का और ट्राई करने का भी। तो इसको आप ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।